হাতে আঁকা সমস্ত চিত্র দেখতে দেখতে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। টুইন সামনে এগাচ্ছে, আমি পিছনে আছি ক্যামেরা ধরে। আমার কাছেও একটি ক্যামেরা আছে এবং টুইনের কাছেও একটি ক্যামেরা আছে। টুইন আগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্য হেঁটে পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্ট। ফাইনালি অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম ইয়ে হ্যাঁ, বোর্ড বহুত হি কম হ্যাঁ, ইসলিয়ে হাম লোক সমঝ নি পা রে এয়ারপোর্ট কিস তরফ হ্যায়। তো আবি হামে এয়ারপোর্ট কা সাইন দিখাই দি, তো উস সাইড हमारे राइट साइड पे जाने से एयरपोर्ट मिलेगा। सभी जगह जगह और कहीं पर भी आपको कितना किलोमीटर्स है ये नहीं दिखाई देगा। एक तो बोर्डिंग बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को खड़ा होकर पूछना पड़ रही है कि किस तरफ है एयरपोर्ट, किस तरफ है एयरपोर्ट। अभी हमें दिखाई दी एयरपोर्ट का, वो स्ट्रेट है। सभी जगह पे अंदामान एक सिटी है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों को गाइड करने के लिए सब जगह बोलना चाहिए था कि एयरपोर्ट सभी जगह किस तरह पे मार्क होना चाहिए और किलोमीटर्स भी होना चाहिए। जहाँ पे देखा इधर तो लिखा है एयरपोर्ट, बट कितना दूर है वो नहीं लिखा है, वो भी लिख देना चाहिए था, हमें पता चलेगा और इतना दूर है एयरपोर्ट। फिर भी दिखाई दी एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर हम पैदल चले आए, एक भी जगह पे हमको दिखा नहीं एयरपोर्ट के बारे में। अभी देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट, तो चलो चलते। আমরা সবকে জিজ্ঞাস করার পর এতক্ষণ এয়ারপোর্টের রাস্তা দেখতে পেয়েছি, আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। होटल से हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। मेरे पीछे जो रोड है उसी रोड से हमें जाना होगा, हमें एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो होटल वालों ने बोला 3 किलोमीटर, तो मेरे को लगता है 3 किलोमीटर नहीं, थोड़ा दूर है, 4 से 4.5 किलोमीटर। हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, सामने जो चीज़ आ रहे हैं सब रोड पर जा रहे हैं। আমরা এয়ারপোর্টের সামনে চলে এসেছি, আর 3 মিনিটের রাস্তা আছে, আমরা এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। আর 2-3 মিনিট লাগবে টাইম, লাগভাগ 2-3 মিনিট লাগবে।